वेलकम फ्रेंड टू आवर प्रोग्राम सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस एंड इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी एंड वी इज वेरी काइंड इनफ टू कम टू अस एंड पुट हिज टाइम एंड विजडम टू अस। तो एवरीबडी थिंक्स ऑफ चेंज एंड दे वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड। ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, लेकिन कहीं वो खुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो चेंज जी क्या जी होता है, कैसे होता है, चेंज क्या है, कौन सा लॉ है, हम इस पे बारे में बात करेंगे। और डॉक्टर श्रीनिवास जसदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो आई हैव स्टार्टेड द स्क्रीन शेयरिंग, यू कैन टॉक नाउ। जी 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 सी थैंक यू वेरी मच जैन साहब। आई एम वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड स्पिरिचुअली आफ्टर यू अटेंडेड द स्पिरिचुअल कैंप and you can guide us even better now, which you have been doing anyway. So, and you are looking a lot better. God bless. Thank you. अच्छा, आज का विषय जो है चेंज या बदलाव, वो हम सब चेंज चाहते हैं और द सेम टाइम चेंज नहीं चाहते हैं, ये दुविधा है। किसी ने पूछा क्या किस चीज को बदलना चाहोगे, then you can't say I'll change my wife, it wouldn't be acceptable. And you can say, I change my dress, I change my job, I change my driver, etc. But वो change करने के बाद भी मन में हिचकिचाहट रहती है. So we are not sure whether we are doing the right thing by changing. तो ये change जो विषय है वो जरा सा delicate है और complicated भी है. So in short, we want change, at the same time we don't want change. ऐसा है. इस picture में आप देखेंगे आदमी बंदर होते हुए धीरे 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 बदलते हुए फिर आदमी बना। सो वी ऑल स्टार्टेड आवर लाइव्स विद बीइंग एन एप और मंकी, यू नो, एंड दैट चेंज नोबडी कंट्रोल्ड इट। जो होता रहता है वो होता रहता है। सो इफ यू वांट टू से सडनली चेंज, ओके आई विल स्टॉप एट दिस स्टेज, नो यू मे नॉट। ये तो अपने आप चलने वाला चेंज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मेनी टाइम्स वी से टाइम फॉर अ चेंज, यू नो। उदाहरण सिंपल एग्जाम्पल लोगे, ब्रेकफास्ट के लिए आप रोज ब्रेड बटर खाते हो, एक दिन बोलेंगे यार रोजाना ब्रेड बटर क्या ब्रेकफास्ट, और कुछ चाहिए, इडली सांभर भाई वड़ा सांभर चाहिए। एंड देन वड़ा सांभर किया तो भी फिर अतृप्त रहते हैं, वो इडली चेंज, वो ब्रेड बटर अच्छा था, ये अच्छा था वगैरह। मगर वी ऑलवेज से टाइम फॉर अ चेंज। सो इन आवर लाइफ समटाइम और द अदर वी से चलो बस अभी चेंज मांगता है, वो बदलाव जो चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं, क्योंकि उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है। एकदम चेंज नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं है, चेंज ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। लेट अस सी हाउ इट गोस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, एक ग्रीक फिलोसोफर थे हेराक्लिटस करके, उन्होंने ऐसा रूल बनाया, तुम कभी भी एक ही नदी को दोबारा क्रॉस नहीं कर सकते हो। उन्होंने क्या कहा, एक ही नदी को तुम दोबारा क्रॉस नहीं कर सकते, एक दफा क्रॉस किया तो हो गया। लोग बोले ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, नदी तो नदी है, मैं अभी क्रॉस करता हूँ, आधा घंटे के बाद आके क्रॉस करूंगा वही नदी रहेगी, एक दिन के बाद आऊंगा नदी वही रहेगी, तो इसमें क्या बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा नहीं, तुमने जो रिवर क्रॉस किया वो रिवर अभी नहीं है, वो रिवर तो बह के चला गया। सो एवरी रिवर you know keeps on changing every minute every second, so you cannot cross the same river twice. So by the time you come back for a cross to dusra river aa gaya us jagah pe. Ye buddhism mein ye bahut bada principle hai. Tum so as a human being also you are never the same person, par har ek kshan mein hum badalte rehte hain, and no man or no river, no animal, no nothing, no universe can be the same. To ek siddhant hai. So, उसके पीछे काफी गहरे फिलोसफी है, वो अभी हम नहीं जाएंगे उसके ऊपर, हम देखते हैं कि चेंज। जी वी हैव मेट 15 डेज बिफोर जी एंड टुडे बोथ ऑफ अस आर हाईली चेंज, मतलब ड्रामेटिकली चेंज। यस यस सो एवरी टाइम यू मीट अ पर्सन, इवन योर वाइफ और इवन एनीबॉडी, सम थॉट हैज हैपेंड, सम एक्सपीरियंस हैज हैपेंड, सम इवेंट हैज हैपेंड एंड द पर्सन हैज चेंज correct and he will change his perspective. So yeah. change is a way of life, everything keep changing, and you have given the example of river.
इफ द रिवर डजंट फ्लो इट विल बिकम अ तालाब एंड दैट विल बिकम डर्टी ऑल्सो राइट या या करेक्ट करेक्ट. अभी सबसे बड़ा चेंज आदि मानव उसके टाइम से लेकर के प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के दो आइटम्स ऐसे आए हैं जिससे जमाना बदल गया, हम खुद बदल गए, सारी सिविलाइजेशन बदल गया. वो पहला वाला है कि फायर, इन्वेंटेड फायर. आदमी को मालूम नहीं था कि फायर क्या चीज है. वो एक्सीडेंटली वो जंगल में पेड़ को फायर आ गया तो वो देख के उसको मालूम पड़ा है और कुछ है. तो उसके बाद कुकिंग आ गया, फिर उसके बाद मशीनरी आए, हजारों चीजें आ गई, करोड़ों चीजें आ गई. मगर शुरू में फायर वॉज द फर्स्ट चेंज इन ह्यूमन लाइफ. और दूसरा था कि व्हील. जो जो व्हील देख रहे हैं, वो व्हील आने से पहले आदमी को एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना बड़ा प्रॉब्लम था, पैदल चलना पड़ता था. और धीरे धीरे उसने समहाउ ही डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड द व्हील. और व्हील आ गया तो अगेन अ होल न्यू सिविलाइजेशन स्टार्टेड. यू नो, गाड़ियाँ आ गई और घर के अंदर भी सामग्रियाँ हैं, वो व्हील से अच्छी तरह से चलने लगे. तो ये टाइप का जो इन्वेंशन है वो देयर इज अ बिग चेंज, बिग बिग चेंज. हजार तो बहुत सारा चेंजेस हैं देखेंगे. और हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैसे हमने देखा कि एक चेंज होते हुए एक मन के अंदर एक भ्रम, एक दुविधा पैदा हो जाती है. आप जहाँ पर हो वो कंफर्टेबल लगता है करके आप वहीं रहना चाहेंगे, मगर वो टिकने वाली बात नहीं है, वो बदलने वाला है. और जब आप बदलना चाहेंगे तो आपका कंफर्ट जोन जो बोलते हैं ना, जो आप बैठे बैठे हैं, चलो अच्छा है, चाय पी लिया सुबह का, अभी मजा करो, आराम करो, वो नहीं रहने वाला. क्योंकि वो चेंज मैनेज करने के लिए यू हैव टू फेस अनसर्टनिटी. अभी चेंज करने के बाद जो चीज निकलेगी वो अनुकूल होगा क्या प्रतिकूल होगा कुछ बोल नहीं सकते, बट इट इज देयर. सो यू हैव टू हैव दैट एंड देन यू डोंट लाइक इट बट स्टिल इट इज देयर. इट्स अ डायलेमा है. मगर एक चीज तो जरूर हमें पता ऑलरेडी मालूम है कि भाई जैसे कि वैसे हम बैठे रहेंगे तो आपको कंफर्टेबल तो रहेगा मगर आपको तकलीफ बहुत होगी. हाँ, क्योंकि अभी देखो द सेम थिंग, इन्वेंशन ऑफ द व्हील. अब घर में बैठे रहे तो व्हील नोबडी वुड हैव इन्वेंटेड, तो फिर आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, फिर आपका प्रगति और आपका जो बाकी माइंड सेट है वो सब एकदम पुराना होके, ढीला होके, रॉटन हो जाएंगे. तो उसको, उससे दूर होने के लिए हमें कंफर्ट जोन छोड़ के, चलो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो भी हम कुछ नया करके दिखाएंगे, फिर कंफर्ट जोन छोड़ के आप जाएंगे तो तब आपको सक्सेस मिलेगा. भले वो एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का, भले वो चंद्रमा के ऊपर जाके रॉकेट रखने का, वगैरह वगैरह. तो कंफर्ट जोन छोड़ के ही जाना पड़ता है, तब हमको सक्सेस मिल सकता है, नहीं तो कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलेगा. कुछ कहेंगे साहब आप? इज इट ओके? नहीं, अपन आगे बात करेंगे. हाँ, मैं देख रहा हूँ, करो करो. अभी आपने हाथ के उंगलियों का जरा तरफ देखिए. इस डायग्राम में आपको दो तीन उंगलियों का अरेंजमेंट दिखता है. पहले इसमें राइट साइड का थंब, राइट साइड का अंगूठा जो है वो ऊपर रहता है, और दूसरे में एक ही सिचुएशन में एक ही लेवल पे है, तीसरे में लेफ्ट साइड का अंगूठा ऊपर के स्थान में है. अभी समझो हमने एक किसी ने आपसे कहा कि हाथ जोड़ो, ऐसा उंगलियां जोड़ के रखो, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मैं तो मेरी तरह साइड से राइट साइड का थंब ऊपर रखता हूँ, आपका शायद लेफ्ट साइड का हो सकता है, मगर अपना एक जो पोजीशन है वहां पे हमारा कंफर्टेबल रखता है. उसका विरुद्ध हम बोलेंगे ऐसा हाथ लेफ्ट साइड वाले को, आपने कहा कि भाई एक घंटा आप राइट साइड का थंब छोड़ के लेफ्ट साइड का थंब पकड़ के रखो, वो आदमी 5 मिनट के अंदर वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा. ये सिंपल प्रिमिटिव एग्जाम्पल ऑफ कंफर्ट जोन. सिर्फ उंगली रखने का लेवल से अपना कंफर्ट चालू हो जाता है. वो ठीक नहीं है तो अपना कंफर्ट नहीं है, मगर उसको तोड़ना ही पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्ट्रेस बोले तो हजारों फैक्टर्स आते हैं. अपना कोविड आके चला गया, लॉकडाउन आ गया, कोविड की वजह से और दूसरी बीमारियों की वजह से हम आइसोलेट हो गए, और
हमें क्वारंटाइन में लगा दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया, और ऐसा वगैरह वगैरह। नाउ यहाँ पे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी होती है, एक चेंज आ गया समझो। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट अपने आप आता था, वो जमाना गया अभी ना, विद ऑल दिस लॉकडाउन। सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइमिंग क्या, ब्रेकफास्ट कैसा, कब, कुछ बोल नहीं सकता। मतलब वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आ जाता है चेंज होने से। इन शॉर्ट, चेंज मतलब स्ट्रेस, चेंज मतलब स्ट्रेस, मगर स्ट्रेस हैज टू बी अंडरगॉन। तो कैसे आगे देखना है वो देखते हैं जरा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अक्सर कहते हैं कि भाई ये सब चीज बदलना चाहिए, अपना म्यूनिसिपैलिटी ठीक नहीं है, अपना गवर्नमेंट ठीक नहीं है, अपना बैंक ठीक नहीं है, अपना स्टॉक एक्सचेंज ठीक नहीं है, अभी स्टॉक एक्सचेंज का मामला चल रहा है वगैरह वगैरह। फिर हम बोलते हैं कि ये सभी चीज़ों को बदल के कुछ नया जमाना, नया दुनिया बनाएंगे, ऐसा आसान से नहीं होता। अनलेस यू चेंज एंड यू बिकम द चेंज योर सेल्फ, थिंग्स विल नॉट चेंज। बाकी सब सारी दुनिया को चेंज का उपदेश देंगे, अगर हमको, हम खुद चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप जैन साहब ने कहा कि चेंज ना दूसरे किसी को देखने दो, मैं जैसे के वैसे रहूंगा, मगर वो चलने वाली बात नहीं है। सो यू शुड बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। दुनिया भर के आपको चेंज चाहिए तो पहला अपने से शुरू करो, अपना चेंज करो, अपना दृष्टिकोण चेंज करो, फिर बाकी सी चीजें चेंज हो सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, उसको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो चेंज आ गया तो उसके साथ साथ चेंज मैनेजमेंट होना चाहिए। सिर्फ चेंज हो गया, हम जैसे के वैसे बैठे रहे हैं घर में चाय पी के या घर में सोते हुए, वो कोई काम का नहीं है। इनफैक्ट वो रॉटिंग शुरू हो जाएगा। आप उसको चेंज को मैनेज नहीं करेंगे, यू विल स्टार्ट रॉटिंग। रॉटिंग कैन बी फिजिकल रॉटिंग, हाथ पैर नहीं चलते तो मसल नहीं चलते तो एकदम पैरालिसिस जैसा हो गया, या दिमाग नहीं चलता है तो हम बुद्धूले जैसे रहते हैं। मगर वो सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक चेंज मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और चेंज मैनेजमेंट कौन करेगा? आप खुद ही करेंगे। तो आपको खुद का चेंज मैनेज करने का ताकत और दृष्टिकोण होना चाहिए, तब आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और दूसरों के साथ आप मिलजुल के एक नया चेंज का एक टीम वर्क बनाएंगे। चेंज मैनेजमेंट भी अकेले से नहीं होगा, वो टीम वर्क जरूरी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। मैनेजमेंट में ज़्यादा आता है, और मगर डे टू डे लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो आपको चेंज के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी से लेकर के एक टीम वर्क लेकर के आपको आगे जाना है, तभी आपका चेंज मैनेजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये जब ये सब चीज़ें हम करते हैं जो होते रहते हैं, उसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में बोलते हैं कि डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब जो चल रहा है उसको आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके, डिसरप्ट करके दूसरे चीज़ को बिठाना है। वो विदाउट डिसरप्शन चेंज वगैरह नहीं हो सकता। उसके लिए क्या चाहिए आपको? यू हैव टू रीथिंक, री इन्वेंट एंड रीपोजिशन। तो आपको रीथिंक मतलब सोचना पड़ेगा कि भाई ये चेंज आने के बाद अपने जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो ऑब्जर्व करके, थिंकिंग करके, फिर यू री इन्वेंट यूर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो आई डिडंट नो स्विमिंग टिल आई वाज इन स्कूल। स्विमिंग तो स्कूल में स्विमिंग सीखने से पहले मुझे पानी से बहुत डरता था मैं, मगर फिर समझा कि भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मारे पानी में उतर जाओ, हाथ पैर मारो, धीरे धीरे आपका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। फिर मैंने आई इन्वेंटेड एंड देन आई डिस्कवर्ड माई ओन स्विमिंग कैपेसिटी। तो आपको रीथिंक करना है, री इन्वेंट करना है और रीपोजिशन करना है। वो स्विमिंग आ गया तो उसे लेकर के क्या क्या हम कर सकते हैं, पानी का खेल खेल सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं उसके हिसाब से। ये डिसरप्शन के बगैर ये नहीं हो सकता। जो चालू है उसको आपको डिसरप्ट करना है। अगर ये शब्द सुन के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बदलाव अपने आप आता है, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं, बदलाव लाने के लिए आप प्रोत्साहन करते हैं और वहां से अपना चेंज मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इसको कहते हैं कि दूसरी भाषा में जरा गहरी बात है, पैराडाइम बोलते हैं।
मगर हम आज पैराडाइम के ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें और एक सेशन लेना ही है। अगले वाला सेशन में पैराडाइम शिफ्ट है और उसको जरा इन डेप्थ देखते हैं। मगर चेंज कभी भी होगा, चेंज मैनेजमेंट होगा, तब पैराडाइम मैनेजमेंट और पैराडाइम शिफ्टिंग तो होने वाला ही है। उसके बगैर चेंज का कोई मतलब भी नहीं है। हम मगर ये पैराडाइम का डिटेल हम अगले सेशन में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यू बी द गेम चेंजर। जब हम ये सब चेंजेस करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि गेम चेंज। ये अमेरिकन एक्सप्रेशन है। अमेरिका में बेसबॉल बहुत फेमस खेल है और उसमें गेम बोलते हैं। बेसबॉल का गेम, जैसे हम क्रिकेट में बॉल बैट एंड बॉल लेके बोलते हैं, उसका गेम नहीं बोलते, मगर ये बेसबॉल में गेम होता है। आप जब गेम चेंज करेंगे तब आपका वो इफेक्टिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैनेजमेंट होगा। सो यू हैव टू बी द गेम चेंजर। यू चेंज द गेम एंड यू चेंज योर सेल्फ। ऐसा है सर। गेम चेंज करने का सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ कि आप अपना काम करने का तरीका बदलो, जी कुछ नया लेके आओ, जी कुछ डिफरेंट लेके आओ, जिससे कि आपको इफेक्टिव हो जाए और आपको सक्सेस हो जाए। जी हाँ जी हाँ जी। और अभी रिसेंट एग्जांपल ऐसा है कि सोशल मीडिया इज चेंजिंग, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स। सोशल मीडिया इज चेंजिंग एवरीथिंग। इनफैक्ट इज चेंजिंग द वे वी राइट लेटर्स, द वे वी टेक फोटोग्राफ्स। मोबाइल में अपना सेल्फी लेकर के कुछ और कुछ आईफोन आईओ करके आप करते हैं, जो सब स्पोर्ट्स को चेंज करने के लिए एक बड़ा न्यू पैराडाइम, न्यू जमाना शुरू हो गया। इट्स अ होल न्यू बॉल गेम। ऐसा हर एक गेम के अंदर, अभी हमने देखा चैट जीपीटी करके एक नया सॉफ्टवेयर आया, चैट जीपीटी बोले तो सारी दुनिया उसके मदद लेकर के बहुत सारे गेम्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर है और आगे बढ़ने वाला है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट्स अ होल न्यू बॉल गेम। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चेंज एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से अपने को जिंदगी जीने का तरीका ही बदल गया, सोच विचार सब बदल गए हैं। एंड सोशल मीडिया इज नाउ, यू मे नॉट लाइक इट, बट सोशल मीडिया इज देयर। इट इज ऑलरेडी कम, इट इज देयर टू स्टे। सो यू हैव टू मैनेज दैट। वो सब हमको एक एकदम लेवल पे लाके इकट्ठा करके हमें जीना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वॉट एवर यू डू, ओल्ड वेज विल नॉट ओपन न्यू डोर्स। तो ओल्ड वेज तो आप करते रहिए, उसमें कोई बदलने वाला नहीं है। यू हैव टू ट्राई न्यू वेज। ओल्ड वेज काम नहीं करेंगे तो न्यू वेज ले लो, तभी आपको न्यू डोर्स कैन ओपन। ऐसा है, वो देखते हैं और थोड़ा देखते हैं सर। इसमें मेरा एक और, इसमें मैं अलग शब्द से बोलूंगा जी, कि लोग बदलना तो चाहते हैं, लोग जी बदलाव चाहते हैं, लोग कुछ नया पाना चाहते हैं, लेकिन जी अपने काम करके का तौर तरीके बदलना नहीं चाहते। अगर किसी को कोई जी लीडरशिप रोल लेना है और वो या उसी समय उठेगा जिस तो पहले उठता था, आराम से ब्रेकफास्ट करेगा, आराम से चाय पिएगा, टाइम पास करेगा, तो वो जी लीडरशिप में सक्सेसफुल नहीं होगा। जी तो आदमी तो ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करूं और रिजल्ट नया आवे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। नया करेक्ट रिजल्ट लाने के लिए नया एक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए बदलना पड़ेगा, है ना। करेक्ट करेक्ट जी। और एक उदाहरण है टेलीफोन। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन डिस्कवरी किया, तब इनिशियल टेलीफोन वाज़ ए ह्यूज मशीन। और उसके बाद जो टेलीफोन आए, काफी टाइम तक बड़े बड़े मशीन से काम होता था, क्योंकि उसका साउंड पकड़ने का, साउंड ट्रांसमिट करने का जो सिस्टम था वो बहुत स्लो और एरेटिक था। मगर आजकल ये फोन तो इतना छोटा हो गया, हाँ, आप घड़ी के अंदर भी छोटे 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 टेलीफोन बिठा सकते हैं। आप कितना एक्सरसाइज किया, कितना वॉकिंग किया, क्या किया वो किया, वो सब टेलीफोनिक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होके जाता है। तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो उसके हिसाब से हार्डवेयर भी बदलता है, एंड वाइस वर्सा, हार्डवेयर के हिसाब से सॉफ्टवेयर बदलता है। वो इतना बड़ा से लेकर कंप्यूटर मिनिएचर माइक्रो लेवल तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और दूसरा उदाहरण कि ये बैलगाड़ी लेकर के हम खेतीबाड़ी करते थे, अभी आजकल ट्रैक्टर आ गए और आजकल और भी बहुत एडवांस्ड एग्रीकल्चरल मेथड्स आ गए हैं।
इक्विपमेंट आ गए, वो उसके अंदर कंप्यूटराइज भी हो गया। वो कंप्यूटर आपको बताएगा यहाँ पे ट्रैक्टर चलाओ, यहाँ पे जमीन ठीक है, वहाँ पे ट्रैक्टर मत चलाओ, वहाँ पे जमीन ठीक नहीं है, बीच में नदी आ रही है, इधर करिए वो करिए। सो ऑल दैट इलेक्ट्रॉनिकली वो सॉफ्टवेयर के अंदर बिठा के आपको मैसेज मिल जाता है, तो आपका एग्रीकल्चर भी आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। वो भी हमें देखना है, उसका साइंटिफिक एडवांटेज होता है। और ये सब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। और डिजिटल का तो देखा गया तो इंडिविजुअल ब्रांच के ऊपर है, जैसे मैंने चैट जीपीटी कहा, चैट जीपीटी मे नॉट अप्लाई टू अस ऑन अ डे टू डे बेसिस, बट इट इज डिटरमिनिंग ऑल एंटायर स्टूडेंट लाइफ, एंटायर एकेडमिक, एंटायर पीएचडी वगैरह वगैरह, वो सब कंट्रोल करता है चैट जीपीटी। वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को हमें समझना चाहिए, वो चेंज मैनेजमेंट वहीं से आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो चेंज का दुश्मन है इनर्शिया। चेंज को प्रतिकूल करके छोड़ने वाली बात है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। सिंपल थिंग, आपको कहीं बाजार में जाके कोई चीज लाने का, बोलेंगे अरे यार कौन जाएगा बाजार तक, 2 किलोमीटर जाना है, पैदल जाना है या साइकिल लेके जाना है, और उधर जाके वो पूछताछ करके क्या चीज मिलता है क्या चीज नहीं मिलता है, वो सब माथा फोड़ करके हमें आगे का काम देखना है, उतना कौन करेगा, रहने दो कल परसों करते हैं, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। उसके ऊपर हमने एक सेशन भी लिया था। आराम से खींचा खींची करो, लेट इट गो, ऐसा एक एटीट्यूड है, इनर्शिया है, जो फिजिक्स में इसको इनर्शिया बोलते हैं। और न्यूटन्स लॉ जो हमने देखा था वो उसमें भी थर्ड फर्स्ट वन रहा था, इनर्शिया वहाँ आ जाता है। मगर आपको चेंज मैनेज करना है तो इनर्शिया को दूर करना है, इनर्शिया को बंद करना है, इनर्शिया को खत्म करना है। लेट्स सी प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऑल इन ऑल अपने को क्या है, चेंज आ गया करके उसको रेसिस्ट मत करो, उसको विरुद्ध कोई काम काज मत करो, एम्ब्रेस इट। चलो अभी चेंज हो गया, ब्रेकफास्ट खाने का टाइम चेंज हो गया, ब्रेकफास्ट चेंज हो गया, पराठा है आज, इडली सांभर नहीं है, वगैरह वगैरह, हर चीज को चेंज होते हुए हम देखते हैं। और चेंज को अपनी तरफ से मोल्ड करके, चेंज अपना धीरे धीरे उसको परसुएट करके, ऐसे कहते हैं ना उसकी दाढ़ी में हाथ लगाने का, जोकिंगली यू वांट टू एनकरेज समबडी, तो यू हैव टू एनकरेज चेंज, यू कैन नॉट रेसिस्ट चेंज, यू हैव टू एम्ब्रेस चेंज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे सर मैं कहना चाहूंगा जी, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है जी, और लोग उसको बोलते हैं ये सर्दी कब जाएगी, ये बारिश कब बंद होगी, ये गर्मी कब खत्म होगी। सो वी कीप ऑन फाइटिंग विद इट, सो बेटर इज दैट यू एक्सेप्ट इट एंड व्हाट एवर नेचर इज डूइंग इट इज फॉर योर बेनिफिट। जी हाँ, सो एक्सेप्ट द कोल्ड, एक्सेप्ट द हीट, एक्सेप्ट एवरी सीजन एंड एंजॉय द सीजन। या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी ट्रू। शेयर स्क्रीन क्या हुआ, वापस चालू करना पड़ेगा। आई थिंक वी आर एंटर्ड, इज दैट द लास्ट वन, शायद इसमें शेयर स्क्रीन में कुछ गड़बड़ हो गया था, ये पावर पॉइंट खत्म हो गया दिखता है। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ना, हाँ ठीक है। हाँ तो चेंज तो हर एक लेवल पे, हर एक प्रांत में, हर एक धंधे में आने वाला है, आते रहेंगे, और उसके लिए हम 1 साल 2 साल ठहर के कोई फायदा नहीं है, हमें यू हैव टू टेक अ प्लंज और हाथ पैर मार के चेंज के साथ साथ हमें जाना है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। चेंज होने का एक फायदा है कि यू अडॉप्ट टू द सिचुएशन एंड यू कीप ऑन ग्रोइंग एंड एवरी चेंज मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जी हाँ, तो रजिस्ट तो करना नहीं है लेकिन प्रेम से आगे बढ़ना है। एक मैंने और भी देखा है जी, तो एक दुकानदार सब कुछ ऑनलाइन खरीदता है जी और ये सोचता है कि कस्टमर मेरे दुकान से आके लेके जावे, तो उसको तो चेंज अच्छा लग रहा है लेकिन उसको नहीं चेंज होना है, तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है। तो हमेशा चेंज के लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि यू वांट अ डिफरेंट रिजल्ट, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड वी विल एंड द मीटिंग। थैंक यू सो मच। या थैंक यू थैंक यू।